वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं गाइस कैसे आप लोग अपने फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हो। देखो इससे क्या क्या बेनिफिट्स है और कैसे आप लोगों को इंस्टाग्राम को फेसबुक से कनेक्ट करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस छोटे से प्रोसेस है, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देख लो गाइस, तो आप लोग है इजिली इंस्टाग्राम को फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं प्रोसेस की, तो उसके लिए आपको ले चलता है मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एंड स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। तो देखो गाइस इंस्टाग्राम को अगर आप लोग फेसबुक से कनेक्ट करके रहते हो, मतलब कि फेसबुक पे नीचे वाला प्रोफाइल पे सेक्शन पे अगर आप लोग इंस्टाग्राम को वहां पे ऐड करके रखोगे तो वहां पे एक अच्छा लुकिंग भी लगेगा। साथ ही अगर आप चाहते हो अपने फेसबुक फ्रेंड्स को इंस्टाग्राम तक पहुंचना तो वो इजीली आप लोगों को ढूंढ के इंस्टाग्राम तक पहुंच सकते हैं। आपका अकाउंट को किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप लोग फॉलो करना चाहता है तो उसको फॉलो आपको कर सकता है वो कोई भी न्यू मेंबर अगर आता है तो कैसे कैसे आपको करना चाहिए आपको चाहिए मोबाइल फोन की स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप बताया। तो उससे पहले आप सभी से छोटे से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पहली बार देखो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, ठीक है दोस्तों। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाने के बाद आपको सिंपल सा प्रोसेस से एंड आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बस आपको करना क्या है, बस आपको एंड तक देखना है बिना स्किप किए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियोज़ को बनाने में। तो कैसे आपको करना है, मतलब कि फेसबुक के नीचे सेक्शन में आपको इंस्टाग्राम को मतलब कि ऐड करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस, आपको फेसबुक वाले एप्लीकेशन को गाइस ओपन कर लेना, ठीक है। फेसबुक वाले एप्लीकेशन को गाइस ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मेन होम पेज पे आप लोग जैसे ही आ जाओगे गाइस, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे आप लोगों को गाइस क्लिक करना, ठीक है गाइस। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद एडिट पब्लिक डिटेल्स पे आप लोगों को क्लिक करना। देन यहाँ पे आपको कुछ नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको लिंक का एक ऑप्शन दिख जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाने के बाद यहाँ पे ऐड पे आप लोगों को क्लिक कर देना, ठीक है। ऐड पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको करने के सिंपल सा प्रोसेस है, आपका इंस्टाग्राम वाले जो आपका जो यूज़र नेम है, आपका जो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है सिंपली उसको देख लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम के यूज़र को नेम को देख लेने के बाद उसके बाद आपको करने के सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है सिंपल उस यूज़र नेम को चेंज कर ले, मतलब कि देखने के बाद वही सेम टू सेम आपको यहाँ पे यूज़र नेम देना है। तो कैसे आपको देना है, ऐड सोशल लिंक्स, ठीक है। यहाँ पे ऐड वेबसाइट का भी आप ऐड कर सकते हो, ऐड सोशल लिंक भी आप ऐड कर सकते हो। तो सिंपली सोशल मीडिया का अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे, देने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है। प्लेटफॉर्म पे आपको एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मतलब सोशल मीडिया आप ऐड करना चाहते हो सिंपली उस सोशल मीडिया को गाइस आपको यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है तो सिंपली आप इसको यहाँ से यूट्यूब वगैरह सब कुछ यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हो, इजीली आप लोग ऐड कर लोगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको इंस्टाग्राम सेलेक्ट करने के बाद आपका जो यूज़र नेम है सिंपल से उस यूज़र नेम को यहाँ पे आपको डायल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो तो आपके सामने जो आपका यूज़र नेम है यहाँ पे डायल हो चुका है, आपका इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो चुका है। देन उसके बाद सेव पे गाइस आप लोग क्लिक कर दोगे तो आप लोगों का जो है आसानी से आपके जो प्रोफाइल होता है प्रोफाइल के नीचे सेक्शन में आपका जो है आपका इंस्टाग्राम के यूज़र नेम है वो सिंपली शो हो जाएगा। तो आई होप कि गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत जानकारी मिले है। अगर कुछ जानकारी मिले तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।